यह ब्रह्मांड अत्यधिक विशाल और सीमाओं से परे है। मनुष्य इसको जानने की लगातार कोशिश कर रहा है। हमारे ग्रह पर बसे जीवन की विशालता और जटिलता को देखकर यह स्पष्ट होता है कि इसकी बनावट बेहद अद्भुत है और यह सिर्फ स्थूल जीवन के लिए नहीं बल्कि सूक्ष्म जीवन के लिए भी सच है। एक वो दुनिया है जिसको हम अपने आसपास देख सकते हैं और एक वो दुनिया है जिसको देखने के लिए हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेना होता है। स्थूल जीवन के साथ साथ सूक्ष्म जीवन भी एक सत्य है और इस अद्भुत सूक्ष्म जीवन को देखने वाले पहले व्यक्ति थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग और साइंस बैकग्राउंड के बावजूद एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को साइंस के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आज फाउंडर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक का जन्म 1632 में नीदरलैंड के एक शहर डेल्फ्ट में हुआ था। इनके पिता एक बास्केट मेकर थे। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने अपने जैविक पिता फिलिप्स एंटोनिस वैन लीवेनहॉक को 5 वर्ष की उम्र में खो दिया था। उनकी मां ने बाद में डच कलाकार जैकब जॉन्स मोलिजन से पुनर्विवाह किया। जैकब भी बाद में 1648 में गुजर गए। तब एंटोनी केवल 16 साल के थे। एंटोनी कुछ समय बाद अपने चाचा के साथ आकर रहने लगे। उनके चाचा एक वकील थे। अरे भैया लोग, तुम लोग को बोलता मैं, ये महाराष्ट्र से मराठी मानुष का है और किसी का नहीं, समझे क्या? या भैया थे और उन्होंने एंटोनी को बेसिक एजुकेशन प्रदान की। उस समय के रिकॉर्ड बताते हैं कि एंटोनी ने डच भाषा के अलावा कोई अन्य भाषा नहीं सीखी थी। इस बात से जाहिर होता है कि उन्हें यूनिवर्सिटी में जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए उस समय लैटिन भाषा का ज्ञान आवश्यक था। एंटोनी एम्स्टर्डम में कपड़ों की एक दुकान में ट्रेनी के रूप में काम करने लगे। कई वर्षों के बाद 1654 में वे अपने होम टाउन डेल्फ्ट वापस लौट आए और उन्होंने खुद की दुकान खोली, जिसमें उन्होंने बटन, रिबन और कपड़ों के सामान को बेचा। सन 1660 में एंटोनी ने डेल्फ्ट के शेरिफ के लिए चैम्बरलेन के रूप में एक स्थान प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की। इससे उन्हें एक बड़ा आर्थिक सहारा मिला और एक स्वच्छित आय होने लगी। अब उन्होंने अपने बचे हुए समय को अपनी पसंदीदा हॉबी में लगा दिया और उनकी हॉबी थी लेंसेस का निर्माण करना। एंटोनी को लेंस बनाना जादू के जैसा लगता था। वे लगातार नए नए लेंस को बनाते और उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन को तैयार करते थे। माइक्रोस्कोपी उनके लिए एक पहेली थी और वे लगातार इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते थे। लीवेनहॉक ने ज्यादातर छोटे गोलाकार लेंस का इस्तेमाल किया। इसके लिए वे कांच की छड़ को बीच में से गर्म करते, विपरीत दिशाओं में छड़ के सिरों को तब तक खींचते रहते जब तक कि वे पिघल ना जाए। वे तब तक सिरों को खींचते जब तक कि धागा इतना पतला ना हो जाए कि अंत में वह तड़क जाए। टूटे हुए सिरों को फिर से एक बार गर्म करते और छोटे गोलाकार कांच के लेंस को तैयार करते। एंटोनी ने पाया कि जितना छोटा गोला उतना बेहतर मैग्नीफिकेशन। एंटोनी अपने सूक्ष्म यंत्रों के निर्माण के लिए इन्हीं गोलाकार लेंसेस का उपयोग करते थे।
हर एक लेंस उन्होंने खुद तैयार किया था। इनमें से सबसे छोटा लेंस केवल 1 मिलीमीटर डायमीटर का था। एंटोनी के ये छोटे छोटे लेंस 200 से लेकर 300 गुना तक मैग्निफिकेशन करने में सक्षम थे, और यह मैग्निफिकेशन इतना अच्छा था कि वे अति सूक्ष्म वस्तुओं को भी आसानी से देख पाते थे। इस मैग्निफिकेशन की मदद से वे रेड ब्लड सेल्स को देख पाए, वे स्पर्म को देख पाए और जाने कितनी अनगिनत सूक्ष्म वस्तुओं का उन्होंने अध्ययन किया। एंटोनी अपने इन लेंसेस की मदद से सूक्ष्म संरचनाओं को देखते और फिर उनका स्केच बनाते थे। इस प्रकार उन्होंने सूक्ष्म संरचनाओं को देखा और उनका एक रिकॉर्ड तैयार किया। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने अपने जीवन काल में 500 से अधिक छोटे छोटे माइक्रोस्कोप तैयार किए, परंतु वे इस पर कहां थमने वाले थे। वे अपने अद्वितीय कौशल के साथ भविष्य के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक पूरी तरह से नए आयाम को खोलने में सक्षम रहे। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जल्द ही माइक्रोब्स की दुनिया पर अपना ध्यान केंद्रित किया। वे सूक्ष्म जीवों के अध्ययन में जुट गए। इसके लिए उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाले और छोटी लंबाई वाले लेंसेस का प्रयोग किया। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जीवित कोशिका के रूप में एक बैक्टीरिया को खोज निकाला था, और इन्होंने बैक्टीरिया को वाइल्ड एनिमल क्यूल्स कहा। इन्होंने बैक्टीरिया को वर्षा के जल से, तालाब के पानी से, मनुष्य के मुंह के अंदर से और इंटेस्टाइन से प्राप्त किया था। वे हर संभव जगह पर इन वाइल्ड एनिमल क्यूल्स को तलाशते रहते थे। कुछ अवसरों पर वे इनके आकारों की गणना करने में भी सक्षम रहे। सन 1676 में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने अपने सभी स्केच को एक साथ जोड़ा और एक पुस्तक को प्रकाशित किया। उसका नाम था द सीक्रेट्स ऑफ नेचर डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी ने ऑप्टिक लेंस, मांसपेशियों में होने वाले स्पाज्म, कीड़ों के मुंह के हिस्से और पौधे की बारीक संरचना का भी विस्तृत वर्णन दिया। इन्होंने एफिड्स में पार्थेनोजेनेसिस को भी खोज निकाला था। 1680 में एंटोनी ने खोजा कि ईस्ट में छोटे छोटे गोलाकार कण होते हैं जिन्हें ग्लोबुलर पार्टिकल्स कहते हैं। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रेड ब्लड सेल्स का सबसे सटीक वर्णन दिया था। एंटोनी अपने जीवन के अंत तक रॉयल सोसाइटी और अन्य वैज्ञानिक संस्थानों को लगातार पत्र लिखते रहे। एक तरफ वैज्ञानिक वर्ग एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को वैज्ञानिक मानने को तैयार नहीं था, और दूसरी तरफ एंटोनी वॉन लीवेनहॉक अपने माइक्रोस्कोप की मदद से अनगिनत खोज करते रहे। अपने जीवन काल में उन्होंने अकेले रॉयल सोसाइटी को कम से कम 560 पत्र लिखे थे। अपने जीवन के अंतिम हफ्तों के दौरान उन्होंने अपनी बीमारी का विस्तृत अवलोकन किया और इसके बारे में भी एक पत्र रॉयल सोसाइटी को लिखा। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी थी। इस बीमारी को आज लीवेनहॉक डिजीज के रूप में जाना जाता है, जो मायोक्लोनस की एक उपश्रेणी है। उन्होंने अंततः 26 अगस्त 1723 को 90 वर्ष की उम्र में अपनी बीमारी के कारण दम तोड़ दिया। ऐसा माना जाता है कि लीवेनहॉक ने 500 से अधिक सूक्ष्मदर्शी और माउंटेड लेंसेज बनाए थे। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक सबसे जिज्ञासु और रचनात्मक पुरुषों में से एक थे। उन्होंने वह देखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। इस असाधारण प्रतिभा के चलते चिकित्सा जगत आज भी इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस को सम्मान करता है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप के तहत प्रकृति के अनगिनत रहस्यों का खुलासा किया। वह दिखाया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। वह दिखाया जो हमारे आसपास मौजूद था पर हम पहचान नहीं पा रहे थे। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक एक मिसाल है। जहां चाहा है वहां रहा है। प्रतिभा कभी किसी संसाधन का मोहताज नहीं होती है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक एक औपचारिक वैज्ञानिक नहीं थे, वे उससे कहीं आगे बढ़कर एक जीनियस इन्वेंटर और एक ग्रेट साइंटिस्ट थे।